तो दोस्तों मुझसे काफी लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई लोफी अपलोड करता हूं तो वीडियो रिमूव हो जाता है या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। तो सबका सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगा और एक नया ट्रिक भी बताऊंगा लोफी बनाने का, ठीक है, और अपलोड करने का, ठीक है, और मर्ज करने का सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है बट पूरा इन्फॉर्मेटिव ए टू जेड लोफी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखो, ठीक है, इन लोग का वीडियो तो रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब ना स्ट्राइक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखो बराबर अपलोड कर रहे हैं, 5 महीने में डाला और 5 मिलियन व्यूज़ यहाँ पे, ठीक है। और इसके वीडियोस तो नहीं रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, इसका चैनल देखो, ठीक है, इसके बाद मैं सभी आपको बताऊंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ। इसने पहले ही वीडियो डाला, देखो 6 लाख व्यूज़ आ गए, उसके बाद इसने क्या किया, अपना कॉन्टेंट चेंज कर दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती रही, ठीक है। कॉन्टेंट चेंज आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, आगे मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, अर्निंग के बारे में भी सब बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ये थर्ड चैनल, इसका भी देखो यहाँ पे, इसका ये वीडियो 1 मंथ पहले 5 लाख व्यूज़ आ गए थे, अच्छा खासा इसका यहाँ से ग्रो हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसने फिर अपना कंटेंट चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे व्यूज़ देखो एकदम डाउन, बेकार हो गया अब इसका चैनल, अब ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये सारे चैनल्स दिखा दिए कि ये गलती आप मत करना, ठीक है, जो बताऊंगा वैसे करना, और एक नया ट्रिक भी बताऊंगा ए टू जेड, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने लोफी बनाने का एक और तरीका ढूंढा है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं 2 एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला एप्लीकेशन ये है, ठीक है, इस वाले को पहले ओपन करना, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस का आइकन बीच में बन के आएगा, मतलब बन के नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, बट आपको बीच पे टैप करना है, अलाउ परमिशन कर देनी है, एंड यहाँ से आपको एक सॉन्ग चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई सा भी सॉन्ग, ऐसे ये वाला नॉर्मल सॉन्ग है, ठीक है, इसको मैंने चूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे अभी आप यहाँ पे प्ले करके भी आप इस तरह से सुन सकते हो, ठीक है, ये देखो। एंड यहाँ से अभी पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड आप यहाँ से 94 के आसपास रख लेना, एंड पिच को 95 तक मैं रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो अभी प्ले करके दिखाता हूँ मैं, पहले मैं आपको यहाँ से 100% पे नॉर्मल सुनाता हूँ कैसा सॉन्ग है, ठीक है, यहाँ सुनो। तेरे व्याह दी खबर उड़ी है, ठीक है भाई, ऐसा सॉन्ग है। एंड यहीं से मैं प्ले करके अगर इसको थोड़ा सा इतना कर देता हूँ, एंड इसको इतना कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, उसके बाद प्ले करके अब दिखाता हूँ। तो भाई काफ़ी सही है यहाँ से, मतलब इसको मैंने पहले यूज़ किया क्योंकि हल्का सा अगर आपके में लोफी बनाने के लिए रिवर्ब बाद में लगाएंगे, पहले से हम थोड़ा सा स्पीड और पिच में थोड़ा खेल लेते हैं क्योंकि यार सिर्फ रिवर्ब से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से इतना सेटिंग करने के बाद अब आपको जितना सही लगे उतना कर लेना, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ से डाउनलोड करना है, एंड यहाँ से फाइल का नाम आ जाएगा, एंड यहाँ M4A से यहाँ से फॉर्मेट MP3 कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ से मैं ऑडियो 1:1 कुछ भी लिख के यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ से इजीली आपका सेव हो जाएगा। फ्री एप्लीकेशन है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक दो नीचे ऐड आएंगे उनको इग्नोर कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से इतना काम कर लेने के बाद हम लोग आगे का काम करेंगे दूसरे एप्लीकेशन में, ठीक। तो दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन है हमारा ये वाला, ठीक है, सेकेंड वाला ये, तो इसको ओपन कर लेना है दूसरी बारी में, ठीक है। एंड यहाँ से सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ से हो जाएगा पूरा काम, यहाँ से ऊपर यहाँ पर आपको टैप करना है, एंड यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, इम्पोर्ट पर चले जाना है, माई डिवाइस पर चले जाना है, एंड यहाँ पे अभी मैंने उसका नाम जो भी सेव किया था, यहाँ पे पहले मैं बाहर आता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने सेव किया था वॉइस करके कुछ, तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये म्यूज़िक फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है, म्यूज़िक में जाना है, मैं यहाँ पर पहले कैंसिल सर्च कैंसिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर म्यूज़िक फोल्डर में आएगा, ठीक है, इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश, तो ये म्यूज़िक फोल्डर में देखो यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, स्पीड चेंजर नाम का फोल्डर आएगा, ये देखिए ऑडियो 11 इस नाम से सेव किया था मैंने, तो ये आ गया, ठीक है। इसमें स्लो और पिच का काम हो चुका है, सिर्फ हमें इस पे लगाना है रिवर्ब वाला इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए अभी इम्पोर्ट हो चुका है अपना सॉन्ग, इसके बाद अभी आपको यहाँ पर आना है, काफ़ी सारे आपको मिलेंगे बट ये वाला इफेक्ट आपको लगाना है, कैथेड्रल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, तो काफ़ी सही है यार, मतलब ये वाला इफेक्ट। एंड यहाँ 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हो या सेव रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक्सपोर्ट करोगे तो भाई पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, कस्टम फोल्डर पे चले जाना, एंड यहाँ से अपना एक नया फोल्डर बना लेना, एंड यहाँ से कर लेना सेव पे सेव, ठीक है। इसके बाद सेव करने के बाद यार आपको मतलब आगे मैं आपको लैपटॉप पे बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों पूरा लोफी सॉन्ग्स तैयार होने के बाद, मतलब सारे लोफीज, मतलब जितने भी हैं 8, 10, 12 जितने भी हैं, ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। आप ये गूगल क्रोम पे आके, मतलब मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, बट मैंने लैपटॉप में इसलिए दिखाया क्योंकि आपको क्लियर बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, फ़ोन में छोटा छोटा दिखता है। audiojoiner.com, ठीक है,
स्पेलिंग देख लेना, इस पे आना है एंड ये पहली वाली वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे आके आपको यहाँ से ऐड ट्रैक, यहाँ से ऐड ट्रैक करना है। एंड यहाँ से देखिए मैं कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, पहले ओपन कर लेना ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ से एडिट आपको कुछ भी नहीं करना है, एडिट हो चुका हमारा जो क्यों ना था, बस यहाँ से आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे ऐड ट्रैक का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना सेकंड वाला लोफी को ले लेना है। ओ यहाँ पे देखिए मैंने दो सॉन्ग्स ले लिए ठीक है, मतलब तीन सॉन्ग हो गए। फिर ऐड ट्रैक पे आना है, एक और सॉन्ग मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ, फिर ओपन। इस तरह से आप जितने भी लोफी बनाए आपने 10, 11, 12 मतलब, लेकिन सबका नीचे एक ही होना चाहिए, मतलब जैसे अगर सैड का बना रहे हो तो सारे सैड होने चाहिए, रोमांटिक का बना रहे हो तो सारे रोमांटिक होने चाहिए ठीक है। तो इस तरह से एक कैटेगरी पे आपको बैठ के उसके सारे लोफीज क्रिएट कर लेने, जैसे मैं सैड के बना रहा हूँ तो ये सारे सॉन्ग सैड के होने चाहिए, 10, 11, 12 आप जितने भी यहाँ से ऐड कर सकते हो ठीक है। कोई ऐड नहीं आएगा, कोई प्रीमियम इसका नहीं है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन, फ्री मतलब वेबसाइट है, यहाँ से आपको जितना चाहे उतना आप बना सकते हो। एंड यहाँ फॉर्मेट पे आके यहाँ से MP3 सेव करके ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ से प्रोसेसिंग होने लग जाएगा ठीक है। तो जितने भी आपके लोफीज हैं 4-4, 5-5 मिनट के, सब मिलकर एक 30-40 मिनट या 20 मिनट जो भी आप जितने भी लोफीज करोगे उन सबका एक वीडियो बन जाएगा ठीक है। तो इस तरह से यार फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखो यार सभी के कॉपीराइट ओनर्स अलग अलग होते हैं, तो मतलब वीडियो रिमूव होने का एकदम चांस हट जाएगा ठीक है, क्लेम आएगा बट रिमूव वही लोग करते हैं जैसे जिसका एक ही सॉन्ग लगा हो, जैसे एक एक आपने 10 सॉन्ग ऐड कर दिए, उसके बाद अभी होता क्या है कि पहले वाले सॉन्ग का ओनर अगर चाहता है रिमूव करना तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी 9 अगर नहीं चाहते हैं तो उनका वीडियो क्यों रिमूव करेंगे वो लोग ठीक है। तो इस तरह से मतलब वीडियो रिमूव आपका बिल्कुल होने का चांस घट जाएगा ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये लोग इतना एक एक घंटे का बना रहे हैं, और भाई वायरल करने का भी यही तरीका है सिर्फ ठीक है, मतलब सिंगल सॉन्ग यार आजकल कोई सर्च नहीं करता है। देखिए यहाँ पे एक आर प्योर लोफी ठीक है, मेट्रो वर्जन कुछ भी अरिजीत सिंह, ये देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है किसी सॉन्ग का ठीक है, तभी ये वायरल हो रहे हैं। देखिए 30 मिनट हिंदी लोफी, अब इसमें कौन से सॉन्ग हैं ये किसी को नहीं पता ठीक है, तो बंदा प्ले करेगा ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर सॉन्ग आपको नहीं लेना है ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, होने देते हैं इसको, बट अभी आप इन पे ध्यान दो। देखो भाई सबसे वायरल करने का मतलब कभी देखो ध्यान से, तब आप समझ पाओगे क्या हो रहा है ठीक है। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं लेना है, सारे सॉन्ग को मिक्स करके और उनका कोई टाइटल अच्छा से रखना, और किसी सॉन्ग को टाइटल में मत जोड़ना भाई प्लीज ठीक है, वरना वीडियो रिमूव होने में देर नहीं लगेगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने कहीं पे भी सॉन्ग नहीं लिखा, सिर्फ सिंगर का नाम और 30 मिनट लोफी रिलैक्स चिल, ये देखो क्या क्या लिखा है। आप इन सब चैनल्स पे जाके आप कुछ सीख सकते हो कि कैसे लोग टाइटल डाल रहे हैं, बाकी थंबनेल वगैरह और सब कुछ तो मैंने बता ही रखा है कि कैसे आपको बनाना है, वो आप मेरी लोफी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई मिलता हूँ किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।